फ्रेंड्स, कपड़े को सिर्फ स्टाइल करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसे अच्छी तरह से रखना भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम उसे बार बार रीयूज कर सकें और हमारे जो कपड़े हैं ना, वो सालों साल नए की तरह दिखे। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सबका फ्रेंड फैशन हिंदी में। एंड आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ 5 क्लोथिंग हैक्स। तो चलिए बिना डिले के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे फर्स्ट हैक की, और वो ये है कि यदि आप कोई भी कपड़े मार्केट से लेकर आती हैं ना, और आप यदि उसे वॉश करती हैं और उसका कलर निकलने लगता है, तो आप क्या करेंगी? जैसे ये जो मेरी कुर्ती है, ये मैंने लास्ट वीडियो में पहना था, और उसके बाद जब मैंने इसे वॉश किया था ना, तो इसका भी पिंक कलर निकलने लगा था। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप क्या कीजिए कि एक बकेट में ठंडा पानी लीजिए, बिल्कुल कोल्ड वाटर, एंड उसमें आपको डालना है 1 स्पून नमक। और नमक डालने के बाद आप उसमें अपने कोई भी ड्रेस को जिसका कलर निकल रहा है ना, उसे आप सोक करके रख दीजिए, और आपको वो सोक करके रखना है 1 से 2 घंटे, एंड उसके बाद आप उसे नॉर्मल पानी से वॉश कर दीजिए। एंड आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे कि जो उसका कलर निकल रहा था ना, उसका रेशियो काफ़ी ज़्यादा घट जाएगा। इनफैक्ट फ्यूचर में यदि आप उसे रिवॉश करोगे तो काफ़ी माइल्ड कलर जाएगा या फिर नहीं भी जाएगा, क्योंकि ये जो ट्रिक है ना, ये मैं सालों से यूज कर रही हूँ अपने कपड़ों पे, एंड उससे उसका कलर भी रिटेन रहता है, काफ़ी अच्छा उसका कलर बना रहता है, एंड साथ में जो कलर निकलने का जो उसका प्रोसेस है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ये आप डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट हैक की, और वो ये है कि यदि आपको भी बहुत सारे स्टोल्स रखने का यदि शौक है ना, तो स्टोल्स की एक खास बात होती है कि यदि आप इसे हैंगर में हैंग करके रखोगे तो वो बार बार स्लिप होने लगता है, पहली बात। और दूसरी बात कि आपको जब जिस स्टोल की ज़रूरत हो उस वक्त वो मिलती ही नहीं है। तो इसके लिए आप कभी भी अपना नॉर्मल वाला हैंगर नहीं यूज करें, बल्कि इस तरह का हैंगर यूज करें जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा चला हुआ है। और इस तरह के हैंगर की खास बात ये है कि इसके हर एक होल में आप एक एक स्टोल डाल सकते हो, जिससे आपको स्टोल फाइंड करने में या उसे ढूंढने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ में आपका जो स्टोल है वो गिरेगा नहीं। मैं आपको इसे भी हैंग करके दिखाती हूँ। सी, आपके एक हैंगर में इतने सारे स्टोल आ गए, एंड अभी भी इसमें बहुत सारे होल्स हैं जो कि वैकेंट हैं, तो मैं इसमें अभी 3 से 4 स्टोल और भी डाल सकती हूँ। तो इस तरह का हैंगर तो डेफिनेटली अपने पास रखिए, बट इसमें भी है कि इस तरह के हैंगर हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आप ऑनलाइन जा सकती हैं, ऑनलाइन में आप लेकर परचेज कर सकती हैं। बट यदि आप चाहें तो इसे आप DIY तरीके से भी बना सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जिस तरह से इसमें होल है ना, सेम आपको क्रिएट करना है अपने नॉर्मल हैंगर में। और आपको क्या करनी है कि जो भी आपकी सीप वाली जो बैंगल्स होते हैं ना, जो प्लास्टिक वाले बैंगल्स होते हैं, उसे आप लीजिए एंड फैब्रिक क्विक लगा के नीचे वाले पोर्शन में एंड ऊपर वाले पोर्शन में अपने बैंगल को अच्छी तरह से चिपका लीजिए। चिपकाने के बाद सेम उसी तरह से वो भी वर्क करेगा जिस तरह से ये हैंगर वर्क कर रहा है। तो आपके जितने भी बैंगल होंगे ना, अपने बैंगल्स के होल में आप डिफरेंट डिफरेंट स्टोल डाल सकते हो। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप DIY स्टोल हैंगर बना सकती हैं, एंड सेम इसी तरह से उसमें भी अपने स्टोल को अरेंज कर सकती हैं। नेक्स्ट हैक की, और वो ये है कि क्या आप भी अपने ट्राउजर को जब हैंगर में हैंग करती है तो इस तरह से वो स्लिप करके गिर जाता है? और यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसका मेरे पास 2 रेमेडी है, यानी कि आप इसे 2 तरीके से हैंग कर सकते हो। दोनों मैं वीडियो आपको दिखा रही हूँ। फर्स्ट जो वीडियो है उसमें आपको अपने ट्राउजर को रिवर्स करके फोल्ड करके रखना होगा, यानी कि एक बार आप सिंपल फोल्ड करो एंड देन उसे घुमा करके फिर से फोल्ड करो। उससे क्या होगा कि आपकी जो आयरनिंग है आपके ट्राउजर की, वो बिल्कुल मेंटेन रहेगी, एंड साथ में वो हैंगर से कभी भी फॉल ऑफ नहीं होगा। एंड जो सेकंड जो तरीका है वो है कि अपना आप ट्राउजर लीजिए, उसको आप इस तरह से हैंगर में हैंग कीजिए, लाइक उसका जो नीचे वाला पार्ट है ना, बॉटम वाला पार्ट, आप उसको इस तरह से रखिए, एंड यहाँ जो इसका वेस्ट पार्ट है वो आप ऐसे डाल के इसे फोल्ड कर दीजिए। सी, इस तरह से। इससे क्या होगा, अगेन जो आपका जो ट्राउजर है वो गिरेगा नहीं, बिल्कुल नहीं फॉल ऑफ होगा, एंड साथ में इसकी जो आयरनिंग है, इसकी जो प्रेसिंग है, वो भी बिल्कुल सही तरीके से बनी रहेगी। तो ये तो नेक्स्ट हैक की, और वो है ब्लैक कपड़ों से रिलेटेड। यदि आपको भी ब्लैक कपड़े पहनने का शौक है, तो आई एम श्योर कि आप सोचती होंगी कि जो आपके ब्लैक कपड़े हैं वो प्रॉपर जेट ब्लैक कलर के ही दिखें। लेकिन ब्लैक कपड़ों की एक खास बात होती है ना, कि वो बहुत जल्दी डर्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लाइक आप कोई भी ट्राउजर देखना, उस पर व्हाइट कलर का एक फेडेड थोड़ा शैडो टाइप का
का दिखेगा, या लाइंस बन जाती है, कभी तो पसीने से भी बन जाती हैं। तो ये जो लाइंस होते हैं ना, या वाइट फेडिनेस या पैचिनेस की जो प्रॉब्लम होती है ना कपड़ों में, वो बहुत गंदी लगती है एंड उसका जो ओरिजिनल जो कलर है ना वो कहीं ना कहीं खो जाता है। तो इसके लिए मेरे पास दो रेमेडी है। सबसे फर्स्ट रेमेडी ये है कि आपका जो भी ब्लैक कलर का ट्राउजर है या कोई भी ड्रेसेस है ना, तो आप उसे रिवर्स करके फोल्ड करें। फॉर एन एग्जाम्पल, आप देखो ये मेरा ट्राउजर है और मैंने इसे रिवर्स करके ही फोल्ड किया है, जिसके कारण यदि कोई भी पैचिनेस की प्रॉब्लम होती है तो इस पार्ट में होती है एंड जो अंदर का कलर है ना वो आप देखो बिल्कुल जेट ब्लैक कलर का रहता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, नीट लगता है देखने में। तो ये तो हो गया फर्स्ट कि अपने ब्लैक कपड़े को आप रिवर्स करके फोल्ड करें एंड उसे आप सेपरेट पॉलीथिन में रखें, क्योंकि कभी कभी ये होता है ना कि यदि आप बिना पॉलीथिन के ऐसे ही ब्लैक कपड़े को रख देते हो तो डर्ट से भी थोड़ी सी पैचिनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। एंड सेकेंड जो है सॉल्यूशन वो ये है कि आप जब भी अपने ब्लैक कपड़े को वॉशिंग मशीन में वॉश करती हैं ना, तो आप उसे नॉर्मल प्रोसीजर के साथ वॉश नहीं करें, बल्कि उसमें एक मोड होता है डेलिकेट मोड, आप उसमें वॉश करें। उससे क्या होगा कि आपके जो भी ब्लैक कलर के कपड़े होंगे ना उसके ऊपर कोई भी पैचिनेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। डेलिकेट मोड में जितने भी कपड़े होते हैं सारे अपने कलर को बहुत अच्छी तरह से रिटेन करते हैं, और सबसे अच्छी बात कि जो ब्लैक कलर होता है जिसमें बहुत जल्दी कलर पता चलने लगता है, वो अपने आप को बिल्कुल प्रॉपर जेट ब्लैक में ही रखेगा। तो ये दोनों ट्रिक्स जरूर यूज करें अपने ब्लैक कपड़े को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट नापी है कि, और वो ये है कि आपको भी अपने यदि सिल्क के दुपट्टे को या साड़ी के पल्लू को अरेंज करने में यदि प्रॉब्लम होती है ना, तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन है आपका स्ट्रेटनर। बस आपको करना ये है ना कि अपने पल्लू को अरेंज कर लीजिए, जो भी आपके दुपट्टे का पल्लू हो या फिर साड़ी का पल्लू हो, अरेंज करके आप उसे इस तरह से अपने शोल्डर पर टक कर लो एंड स्ट्रेटनर की हेल्प से आप उसे इस तरह से प्रेस करके थोड़ा सा खींच लो। उससे क्या होगा ना कि आपका जो भी प्लीट है वो बिल्कुल अपने प्लेस पे रहेगा, बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। एंड मेरे ख्याल से जितने भी सिल्क की साड़ी या दुपट्टे होते हैं ना, उसे यदि आप अच्छी तरह से ड्रेप करोगे तो ही जाकर उसका लुक अच्छा आता है। तो ऐसे में स्ट्रेटनर आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, इसे आप ज़रूर यूज करके देखें। आपको देखकर हैरान रह जाएंगी कि आपके जो प्लीट्स हैं वो काफ़ी नीटली बनेंगे एंड देखने में काफ़ी अच्छे लगेंगे। सारे हैक्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी और सिंपल हैं, जिससे आपके कपड़े काफ़ी सालों साल तक नए बने रहेंगे एंड उसे स्टोर करने में आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी। तो फ्रेंड आपको जरूर बताइएगा ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा एंड इस तरह का वीडियो यदि आप और देखना चाहते हो और लाइफ हैक्स, क्लोथिंग हैक्स देखना चाहते हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मैं नेक्स्ट फ्राइडे फिर से मिलने आऊँगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।